Hey, so what's up guys, welcome back to my YouTube channel। आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा ये जो सोफ़ा फैन का ए वन मॉडल है और इसके साथ मैंने पिंक कलर का जो ब्लेड है उसको लिया है और इसको आज टियर डाउन करके दिखाएंगे। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कैसा है और इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है वो देख के आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन है इसको पूरा ओपन करके टियर डाउन करके आपको दिखाऊंगा। इसका मैगनेट कितना अच्छा है और इसका कॉयल वगैरह जो कुछ भी, ड्राइवर बोर्ड वगैरह जो कुछ भी है आपको साथ ये वीडियो शेयर करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इसको पहले मैंने इसको खोल रहा हूँ और ये देखो ये तीनों स्क्रू को मैंने खोल लिया और यहाँ पे कनेक्टर भी खोल लिया है और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा इसको कैसे टियर डाउन करता है और यहाँ पे बियरिंग वगैरह जो कुछ भी है आपको सबको बारे में बताएंगे। और यहाँ पे खोलने के टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये धीरे धीरे करके ऐसा करते रहोगे तो आपको ये खुल जाएगा। ये देखो ये धीरे से यहाँ पे आपको प्रेशर क्रिएट करना और यहाँ पे खुल जाएगा। खोलने के बाद आपको यहाँ से ये उठा लेना। चलिए इसको पहले बियरिंग का बात करते हो। ये पूरा का पूरा ये कास्टिंग एल्युमिनियम का बॉडी है और ये बियरिंग का नंबर आपको बताऊँ तो यहाँ पे बियरिंग का नंबर आप देख ही सकते हैं 6202Z है। यहाँ पे देखो 6202Z, ठीक है, ये बियरिंग का नंबर है और ये पूरा का पूरा एल्युमिनियम का जो कास्टिंग बना हुआ रहता है उसी में ही बना हुआ है, बहुत लाइट वेट है, ठीक है। और इसको मैं ये जो पीसीबी है पीसीबी को मैंने ओपन कराऊंगा और आपको पीसीबी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्टर वगैरह, ये पुश कनेक्टर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पुश करके ऐसे ओपन कर लेना आपको यहाँ पे इजीली आ जाएगा। यहाँ पे फिर से दोबारा इसको भी पुश करके ऐसे ले आना और यहाँ पे ये जो कनेक्टर है इसको खोलने के बाद आपको ये पीसीबी ऊपर आ जाएगा। देखिए पीसीबी का क्वालिटी मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इसका पीसीबी का क्वालिटी मेरे को बहुत ही एक क्या ही बोलूँ, एक बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। और ये पूरा का पूरा पीसीबी क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, इसके अंदर जो भी ड्राइवर या कॉम्पैक्ट जो ड्राइवर बोर्ड यूज़ किया गया है विथ SMPS ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को और ड्राइवर बोर्ड बहुत ही सही है, ठीक है मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से जो भी लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऊपर का एक देखो ये PVC का ढक्कन दिया गया है और यहाँ पे सुपर फैन का ये लोगो दिया गया है। ये देखो ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपको यहाँ पे ये खुल जाएगा और यहाँ पे ये कनेक्टर को आपको अंदर की तरफ कर देना ताकि ये कॉयल वगैरह बाहर आ सके, ठीक है। यहाँ पे कॉयल को मैं पहले साइड कर रहा हूँ और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये जो कनेक्टर है और यहाँ पे ये जो कनेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर ये जो LED का फंक्शन और सेंसर वगैरह दिया गया है यहाँ पे, इसके थ्रू ये कनेक्टर वगैरह है। और यहाँ पे कोई जो परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, इसमें लगाया, लेकिन यहाँ पे जो न्यूडेनियम मैग्नेट है वो नहीं यूज़ किया गया है। लेकिन 4000 में तो न्यूडेनियम मैग्नेट यूज़ करना चाहिए था मेरे हिसाब से। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी एक एल्युमिनियम का कास्टिंग बॉडी यहाँ पे दिया गया है। ये देखो ये लॉक है, ये लॉक वगैरह तीनों को ओपन करना पड़ेगा। ये देखो ये ओपन हो गया और यहाँ पे एक सेंसर, एक LED और एक कनेक्टर लगा हुआ है, देख ही सकते हैं। और इसका बियरिंग का नंबर आप देखो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखो ये भी 6202 और ये Z बाद में है। और चलते हैं मेन बात पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसका कॉइल और कॉइल का वाइंडिंग आप देख सकते हैं ये पूरा कॉपर वायर के साथ बना हुआ है। ये देखो ये कॉपर वायर के साथ बना हुआ है, किसी भी एल्युमिनियम का चीज़ नहीं है, मैंने चेक करके भी देखा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये देखो पूरा का पूरा कॉपर वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो भी ये कि आयरन होता है बहुत अच्छा आयरन मेरे को दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये जो कॉइल का ये थिकनेस और यहाँ पे 24 वोल्ट में चलता है लेकिन यहाँ पर कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। इसका रीज़न ये है अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो कंपनी का थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपैक्ट है इसीलिए। और यहाँ पे वायर वगैरह जो कुछ भी है आपको दिखा दिया। आज के इस वीडियो से आपको ये सुपर फैन के बारे में
जो कुछ भी राय है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा आपको डाउट क्लियर कर दिया गया है, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ रहता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसके अंदर SMPS और जो ड्राइवर बोर्ड है वो कैसा और किस तरीके से बना हुआ रहता है, और इसका जो भी ये मेटल वगैरह यूज़ किया गया है, ये एलुमिनियम का कास्टिंग होता है वो भी दिखा दिया, और वायरिंग का नंबर वगैरह, इसका सेंसर वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया। आज का ये टियर डाउन वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए टॉपिक वाला वीडियो मैं लाते ही रहूँगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।